हो रही है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ ईरू को लेकर के वैक्सीनेशन के लिए। तो वर्मा जी ऑफिस से आए थे और मैंने उनको ज्वाइन किया था। तो बस यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर के पास, अभी थोड़ा वेटिंग है और अभी ईरू का नंबर आ जाएगा। सो गई है। तो आज यहाँ पे 1.5 महीने वाला जो इंजेक्शन लगता है ना, वही है। सो यहाँ पे मेरे को डर लग रहा था कि अब वो रोएगी, तो वही यहाँ पे इंजेक्शन लगने जा रहा है। एंड ईरू बहुत रोई थी उसको जब इंजेक्शन लग रहा था। वैसे ये पेनलेस वाले इंजेक्शन हैं। ओके सर, थैंक यू। दर्द हो रहा है बीबी के, आ जाओ के छुई लग गई। तो वही मैं बता रही थी, ये पेनलेस इंजेक्शन है, बट जब लगता है तो दर्द तो होता ही है। ईपीयू के टाइम पे भी हम लोग पेनलेस इंजेक्शन ही लेते थे। चलिए घर चलें। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और बहुत क्रैंकी हो रही थी ईरू। और आज ही मैंने सोचा था कि आज से अब मैं जाया करूँगी वॉक करने के लिए। कल डॉक्टर ने मुझे बोला था, सोचा मैंने अपने लिए कुछ, लेकिन फिर नहीं जा पाई। एक्चुअली ईरू रो रही थी, वो थोड़ा सा उसको है पेनलेस है, बट बच्चे को दर्द तो होता ही है। सो फिर लेट भी बहुत हो रहा था, वर्मा जी आकर के जिम चले गए थे। तो कुछ भी हो, मतलब औरतों को ही सेक्रीफाइस अब करना पड़ता है। जो भी होता है अपने लिए सोचती है तो भी आप खुद ही सैक्रिफाइस करोगे अपनी चीज़ों को। ईरू बहुत क्रैंकी हो रही है और वो गोदी से नहीं उतर रही है। मैंने उसको लिटाया था बट वो बहुत रो रही थी, फिर मैंने उसको बिठा लिया गोद पे। और मैंने आज ही से सोचा था कि हाँ, जब मैं जाऊँगी वॉक करने, डॉक्टर ने कल बोला था मुझे कि वॉक धीरे धीरे स्टार्ट करो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आज मैं जा पाऊँगी। औरतों को ही हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने सारे काम। हाँ बेटू निकाल लो, आपको मैं रिवीजन कराती हूँ। व्यू का कल मराठी का पेपर है तो उसको थोड़ा रिवीजन कराना है, अभी वो कराती हूँ। और वही मैं बोल रही थी कि हमेशा मतलब हम लोग को ही सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अपनी चीज़ों को। कोई भी चीज़ होगी तो तुम मत करो। अरे नहीं बेबी, नहीं 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 नहीं, पेन हो रहा है बेबी के, बेबी के पेन हो रहा है। अच्छा अच्छा, लिखो पीहू, लिखो बेटा। अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, उरु थोड़ा सा शांत हुई है, बीच बीच में बार बार वो रोती है। चलो मैं फटाफट से चेंज करती हूँ, अब नीचे तो जा नहीं पाऊंगी, प्लान कैंसिल। तो बस यहाँ पे मैं ईरू को सुलाने की कोशिश कर रही थी और वर्मा जी तो जिम गए हैं, वो आ करके जिम चले गए, बट मैं नहीं जा पाई टहलने के लिए। तो कोई बात नहीं, अब कल से शुरू करेंगे, देखते हैं कब मौका आता है मेरे नीचे जाने का, वॉक करने का। तो अभी नेक्स्ट डे की ही ये क्लिप है और यहाँ मैं नहा करके तैयार होके आई हूँ भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो मैंने देखा खाने में आज पनीर की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी बनी है, तो मेरा मन हो रहा था आज मूंग की दाल खाने का, काफ़ी दिन हो गए थे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे दाल भिगो दी है थोड़ी सी एंड नमक हल्दी डाल करके मैं इसको रख दूँगी, और जब खाना खाएँगे तो मैं इसमें सीटी लगा लूँगी। थोड़ी सी अपने भर की ही मैंने भिगोई है और भारती दी बर्तन धुल के गई हैं, वो रखे हुए हैं। ओके गाइस, तो वेलकम बैक। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाना बना रही हूँ, तो नहीं मैं खाना नहीं बना रही थी। एक्चुअली आज कुक आंटी जो हैं वो पनीर की सब्जी और आलू की सब्जी बना के गई हैं। तो दाल देखा मैंने नहीं बनी है, तो मेरा मन है आज मूंग की दाल खाने का। 2 दिन से मैंने दाल नहीं खाई है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं दाल को भिगो देती हूँ, फिर थोड़ी देर में सीटी लगा दूंगी। एंड पीहू भी आएगी ना तो वो दाल खा लेगी, क्योंकि उसको भी मेरे को लगता है दाल देना ज़रूरी है, प्रोटीन बच्चों को इस समय। पनीर की सब्जी में कितना प्रोटीन होता है, पनीर में मतलब थोड़ा ही पनीर कितना, 4-5 पीस खा लोगे। इसलिए मैंने दाल जो है वो भिगो दी है।
तो यहाँ पीहू स्कूल से आ चुकी है, आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो जल्दी आ जाती है। उसके आने के बाद ही मैं उसको नहला करके तैयार करती हूँ, और अभी यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया है आज उसका। तो बस अब यहाँ पे अभी इसके बाल थोड़े गीले हैं, थोड़े से मैं डिटेंगल कर दे रही हूँ। तो अभी तो वो स्कूल से आई है और उसके खाने में अभी थोड़ा टाइम है, तो यहाँ पे मैं अभी पीहू को कुछ कुछ चीज़ें ऐसे दे देती हूँ खाने के लिए, जैसे कुछ वो ड्राई फ्रूट्स खा लेती है तो वही सारी चीज़ें मैं उसको दे रही हूँ। और अभी ईरू तो सो रही है मस्त, तो इस टाइम वो अगर सोती रहती है तो पीहू के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मुझे टाइम मिल जाता है। सो लेकिन पीहू आती है तो उसको लगता है कि मेरे साथ ईरू क्यों नहीं खेल रही है, मैं उसको जगा दूँ। समटाइम्स ऐसा होता है वो जग भी जाती है तो फिर थोड़ा रोती है। सो अगर उठ जाती है तो फिर यही है ना, उसको देखना पड़ता है। पीहू के साथ मैं टाइम मतलब नहीं बैठ पाती हूँ उसको, फिर उसको अपने से ही अकेले नहाना होता है। सो बस यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम दोनों बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अपना स्कूल की बातें हैं। पीहू बताती है मुझे आज पेपर में ये हुआ, ब्रेकफास्ट में मुझे ये सब खाने को मिला, तो यही सारी बातें हम लोग के बीच में यहाँ पे चल रही हैं। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, क्या टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहा है। मेरी बिंदी जो है वो टेढ़ी हो गई है, बेबी को फ्रेंच फ्राइज बनाना। चलो देखते हैं उधर, ये थैला ले जाना है क्या? थैला धीमा करो बेटो। पीयू से बाय। टीवी में इतना ज्यादा ध्यान है। तो मैं जा रही हूँ अपना कुछ सामान ठीक करने के लिए अपनी अलमीरा में। तो सामान मंगाया है मैंने करवा चौथ के लिए, तो उसको ही थोड़ा सा सेट करती हूँ, अरेंज करती हूँ, क्या पहनूंगी क्या नहीं वो सब देखना है, डिसाइड करना है। इस बार मैंने साड़ी वगैरह लहंगा कुछ भी नहीं मंगाया है, तो देखती हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको मैं क्या पहनूंगी आने वाले व्लॉग्स में, आने वाले क्या, अब तो बहुत जल्दी करवा चौथ आने ही वाला है। तो चलो अभी मैं रख लेती हूँ। कितनी ठंडक मिलती है सुबह से, अब आइए मेरे पास में। सुबह से नहीं, कल से सुबह भी मैं लेके घूम रहा था। कब घूम रहे थे, हमने तो नहीं देखा। अरे भाई तुम देखती ही होंगे। अच्छा सुबह से तो मेरे पास ही थी ना। कल रात भी घूम रहा था इसको लेके। क्या हुआ इरा? मेरी दाढ़ी चुक जाती है जब मैं किसी करता हूँ। तो आप किसी ना करा करिए, दाढ़ी वाला बाबा डैडी पसंद नहीं है उसे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करूँगा। चलो 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 चलो। क्या बोल रहे? अब नहीं चुबाऊंगा दाढ़ी, अब नहीं चुड़ाए चुड़ाए। मिल गया बैटर, मिल गया होगा ना, बैटर मिल गया। अभी टमाटर ये हमने बना लिए, अब इसे काट रहे हैं। आ रही हूं। उठ गई। तो
बस ये अभी रात का टाइम है और मैं यहाँ पे ईरू को चुप कर आ रही थी, वो लेटी हुई थी तो रोने लगी थी। उसके बाद मैंने उसको उठा करके थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा सा उससे बातें करी। उसको बहुत अच्छा लगता है कि आप उससे बातें करते रहो। और बस फिर उसके बाद मैं उसका डाइपर वगैरह चेंज करूँगी, रात को सोने की उसकी सब तैयारियाँ करनी है, मतलब उसको अच्छे से क्लीन करके डाइपर चेंज करना है एंड फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके स्वेडल रैप करना है और फिर वो आराम से सो जाएगी। बच्चे बातें चालू। हाँ देख देख अब रोना कहाँ गया इसका। अब बातें चालू, बातें शुरू हो गई। हाँ यही तो मैं बुलाता हूँ, खूब बातें करो, खूब बातें रहती है। खिलाना नहीं आता बच्चे, बच्चे खिलाना नहीं आता। हंसी वो हंसी देख। हाँ अब कैसे छुप है ये, मेरी तो गोदी में आते चुप हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है एंड यहाँ सुबह का टाइम है। मैं अपना यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम क्लीनर कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत गंदा हो गया है 2 महीने से घर, तो वही मैंने सोचा है अब थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे करना स्टार्ट करती हूँ। अब दिवाली आने ही वाली है एंड यहाँ पे डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ से ना वैक्यूम से अच्छे से पूरा क्लीन हो जाता है। साइड का जो ये बेड वाला पोर्शन है ना, ये हिलता तो है नहीं, बेड एकदम सेट है, तो क्या होता है कि यहाँ नीचे डस्ट आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैं बस वही यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। और ये देखिए एसी के ऊपर भी आपको साफ दिख रहा होगा कि ब्लैक कैसे हट रहा है, गंदगी डस्ट इसके ऊपर भी आ गई थी। तो बस इतना ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है मुझे, बाकी तो भारती दीदी आएंगी तो फिर उसके बाद वो झाड़ू पोछा अपना करेंगी ही। थोड़ी बहुत ये डस्टिंग कर दो तो थोड़ा क्लीन हो जाता है, अच्छा लगता है, फीलिंग भी अच्छी आती है। मेरे को तो ऐसा लगता है जब आप घर क्लीन करते हो ना तो आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स भी आने लगती हैं। सो बस वही यहाँ पर मैंने कर दिया है। इसी बीच में ईरू भी उठ गई थी, वो कैरी कॉट पे लेटी हुई थी अभी तक। तो बस अब मैं इसको चुप कराऊंगी और इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ। इसके आगे का जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो कल शेयर करूंगी आपके साथ। चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दी।